गायब हो गया था उधर से। ये इनके साथ ही है जो ये साइज करेंगे कि मेरे साथ है। सर आज आपने कॉन्फ्रेंस की है किस चीज़ को लेकर के? ये कोतवाली नगर क्षेत्र में 11 जुलाई को एक अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें एक दीपक रायतवार के अपहरण के बाद उसमें आई थी और उस अपहरण के कारण जो है उनकी मां द्वारा आत्महत्या किए जाने की बात को लेकर के एक अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसकी कोतवाली नगर से विवेचना हो रही थी और इसमें दीपक रायतवार की तलाश की जा रही थी। आज दीपक रायतवार जो है जौनपुर से इनको बरामद किया गया है। दीपक रायतवार ने पूछताछ में बताया कि उनका किसी ने अपहरण नहीं किया था और इस घटना में 3-4 लोग और 10-12 लोग अज्ञात नामजद किए गए थे। इस प्रकार जो है ये जो बातें बताई गई थी वो गलत थी और इनका अपहरण नहीं हुआ था। इस पूरे घटनाक्रम में यह तथ्य पाया गया कि दीपक रायतवार और उनकी माँ और उनके पिता द्वारा एक यहाँ पर मुद्रा अर्बन बैंक चलाया जा रहा था, जिसमें काफ़ी लोगों का पैसा उसमें लगा हुआ था। लोग अपना पैसा उनसे वापस मांग रहे थे क्योंकि बैंक की स्थिति ठीक नहीं चल रही थी और उसी पैसे की देनदारी ना करनी पड़े उसके लिए लोगों ने उनके ऊपर दबाव बनाने के उनको नामजद भी किया गया जिनका पैसा जमा था और उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। लेकिन इसके लड़के के इस तरह के बयान देने के बाद जो है उनकी जो है इस घटना में संलिप्तता नहीं पाई। इस प्रकरण में कितने लोग शामिल? नहीं, इस घटना में क्या मतलब, एक तो दीपक रायतवार हैं, उनकी माँ ने सुसाइड कर लिया है। इनके दोस्त कितने शामिल हैं? इनके दोस्त जो है 3-4 दोस्त थे। उन दोस्तों ने दरअसल जब हम इनकी तलाश कर रहे थे तो ये पता चला कि ये तिंदवारी क्षेत्र के इनके 3-4 दोस्त हैं जो इसके साथ हमेशा उठते बैठते हैं, तो हम लोग उनके माध्यम से जो है इनकी तलाश की। झूठा मुकदमा इन्होंने लिख पाया था? निश्चित रूप से इन्होंने एक झूठा मुकदमा लिखाया है और इसमें इनके विरुद्ध जो है विवेचना करके और उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।